23 किलोमीटर यहाँ से केदारनाथ है और त्रिजुग नारायण देखे, हमने यहाँ से यू टर्न ले लिया। और ये ना मेन हाईवे है केदारनाथ का, यात्रा सीजन पे देखो आप क्या बुरे हाल होते होंगे। और यहाँ पे ना शिव पार्वती का विवाह हुआ था, दोनों की शादी हुई थी, और 3 फेरे तो पीछे होते हैं और फिर 4 फेरे अंदर होते हैं, वो है चंद्रशिला। और कल हम जाएंगे वहीं। अरे ये बेचारा हरियाणा से आया, ये रुड़की से कपड़े ले रहे श्रीनगर में। इसके ठीक 7 किलोमीटर पीछे ना केदारनाथ है, ये यहाँ से गंगा नदी होती है शुरू। ये कहते हैं जो सच्चे मन से भगवान की उपासना करता है उनके यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। खाना खाने बाद ना हमने यहाँ पे जस्ट आग जलाई है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग दोस्तों, नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज के ब्लॉग में दोस्तों हम लोग जाएंगे त्रिजुग नारायण, त्रिजुग नारायण जहाँ शिव और पार्वती की शादी हुई थी वो जगह त्रिजुग नारायण है। और वहाँ पे जो मंदिर है वो विष्णु भगवान का मंदिर है। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों हम लोग हरिद्वार से जाएंगे सीधे त्रिजुग नारायण और वहाँ आपको पूरा दिखाएंगे क्या क्या सीन वहाँ पे। वहाँ पे आज भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह होती है, अगर हो रही होगी तो आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे शादियाँ किस प्रकार से होती है। और साथ ही साथ जो हरिद्वार से लेके वहाँ तक के बीच के नज़ारे, कमाल की लोकेशन है, कमाल का रास्ता है, वो सब आपको दिखाएंगे। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं, सबसे पहले इसमें तेल कर लेंगे फुल। 3100 का तेल भराया है हरिद्वार में। ये 240 किलोमीटर दिखा रहा है जिसमें 7.5 घंटे का टाइम दिखा रहा है, और हमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग घूमते हुए जाएंगे, एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे बीच में क्या क्या चीज़ें मिलती है। ये रोड ना ऋषिकेश से लेके रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा तक आपको ना ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगी। यहाँ के नज़ारे देखिए कितने कमाल के हैं। और इन नज़ारों को कैप्चर करने के लिए ना हमने एक डेडिकेटेड मोबाइल लगा दिया यहाँ, उसमें दोस्तों हम लोग टाइम लैप्स कर रहे हैं, उसका आउटपुट देखिए आप स्क्रीन पे। दोस्तों अभी हम लोग संगम में पहुंच चुके हैं, देवप्रयाग संगम में, जो कि हरिद्वार से लगभग 95 किलोमीटर है हरिद्वार से। और ये देखिए मैं आपको संगम दिखाता हूं, भाई थोड़ा हटना यार मोटे भाई। ये देखिए दोस्तों यहां से ना ये अलकनंदा भागीरथी का यहां पे संगम हो रहा है। नीचे नहीं, नीचे अगर आपको उतरना है ना तो वो तो सामने एक रास्ता वो है और एक यहाँ पुलिस चौकी के बगल से है। अलकनंदा भागीरथी के बाद यहाँ पे जो है ना ये यहाँ से गंगा नदी होती है शुरू। इस संगम देखने के बाद हम लोग देवप्रयाग में रुके हैं नाश्ता करने के लिए। फिर यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर श्रीनगर दूर होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग नाश्ता करते हैं। हम लोग ने नाश्ते मंगाया है छोले और पराठे दही, श्रीनगर मार्केट में है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मेगा मार्ट दिखा हमें, यहाँ से कुछ हुडीज वगैरह लेंगे। ऊपर ना ठंड बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत लो है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ना हुडीज वगैरह ले लेंगे। यार ये बेचारा हरियाणा से आया, ये रुड़की से कपड़े ले रहे हैं श्रीनगर में। श्रीनगर में शॉपिंग हो चुकी है पूरी। यहाँ पे देखिए कुछ हुडीज वगैरह लिए, कुछ जोगर लिए और नमकीन वगैरह ली। और यहाँ पे ना हमने ये देखिए 2 बॉल भी लिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग बैट तो हम लोग रुड़की से लाए थे और ये बॉल हम लोग लाए, कहीं मैच होगा तो मैच भी खेलेंगे पहाड़ों पे। ये देखिए 18 रुपए का कैरी बैग बचाया लड़कों ने। दोस्तों इस साइड है श्रीनगर और अभी हम श्रीनगर से थोड़ा सा आगे आए होंगे। और यहाँ पे देखिए सामने देखिए माँ धारी देवी। अगर आप यहाँ का पूरा ब्लॉग देखना चाहते हैं कि अंदर मंदिर का या पूरा रास्ते का, तो वो ना मैं अभी 5-7 दिन पहले गया था, तो उसका ब्लॉग का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पूरा ब्लॉग बना हुआ है। आज हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, वापसी के समय जाएंगे मैं। और ये जो नदी है ना ये अलकनंदा नदी है। तो हम लोगों ने अगस्त मुनि क्रॉस कर लिया है और यहाँ से जो है ना त्रिजुग मात्र 55 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा बच्चों को भूख लग रही थी, देखिए पीछे नमकीन वगैरह ली, प्याज टमाटर ली और नींबू ली, ये खाएंगे आज लंच में। और ये देखिए सामने कितना मस्त नज़ारा है। यहाँ से देखिए 54 किलोमीटर है मात्र यहाँ से केदारनाथ, और हमारा है लगभग 45 किलोमीटर। रोड की हालत देखिए आप, त्रिजुग नारायण का रोड और ये रोड मतलब केदारनाथ का भी है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्त काशी में, और यहाँ से ना केदारनाथ देखिए मात्र 47 किलोमीटर है। ये यहाँ का ना अब केदारनाथ से पहले मतलब सबसे बड़ा मार्केट आसपास की यही है केदारनाथ को, चाहे तुम वहाँ त्रिजुग का हो, जो भी सामान वगैरह अपनी गाड़ी तेल वेल फुल करना हो तो आप यहाँ पे करिएगा, आगे आपको पेट्रोल पंप भी नहीं मिलेंगे। हमारे साथ का मन्नू गया आगे बाइक पे, तो उसने बाइक वाले से लिफ्ट ली, मस्त बाइक में बैठ के अब गाड़ी की वीडियो बना रहे। देखो यार ये बड़ी दिक्कत है पहाड़ों की। देखो यहाँ से हमारी गाड़ी आई और यहाँ पे ना ये 2 गाड़ियाँ आ गई, और फिर जो कि इन्हें पीछे जाना पड़ रहा है। और यहाँ भी देखो यार आप रोड के हाल ये बड़ी दिक्कत रहती है पहाड़ों में, गाड़ियाँ ना इस तरह फंस जाती है फिर आगे पीछे। और ये ना मेन हाईवे है केदारनाथ का, यात्रा सीजन में देखो आप क्या हाल होते होंगे। तो आजकल मेरे हिसाब से यहाँ ना बेस्ट टाइम है, अगर आप केदारनाथ नहीं जा रहे हो और जगह आपको अगर घूमना है आसपास, तुंगनाथ वगैरह, चंद्रशिला वगैरह, या यहाँ त्रिजुगी हो गया, तो आजकल बेस्ट टाइम है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग में, और सोनप्रयाग वह जगह है जहाँ से ना मतलब केदारनाथ का रास्ता अलग हो जाएगा और त्रिजुग नारायण का अलग हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये है सोनप्रयाग, उस सामने ना पार्किंग है सोनप्रयाग की, जब यात्रा चलती है ना ये पार्किंग भाई साहब फुल हो जाती है नीचे ऊपर सब चीज़। और ये रोड जाता है हरिद्वार ऋषिकेश। तो हम लोग यहाँ से आए हैं और ये देखिए
ये सीधे जाता है केदारनाथ। ये देखिए आप, मात्र 23 किलोमीटर यहाँ से केदारनाथ है। और त्रिजुगी नारायण देखें, हमने यहाँ से यू टर्न ले लिया, तो ये रास्ता जाता हमारा त्रिजुगी नारायण। त्रिजुगी मात्र 13 किलोमीटर है और इतनी गंदी रोड है, टाइम देखो 44 मिनट लगने वाले हैं। यहाँ जाएंगे हम 13 किलोमीटर ऊपर, ये कच्ची रोड है भाई, पूरी सेम रोड है। तो अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं त्रिजुगी नारायण में, और यहाँ हमें आने में लगभग 10.5 घंटे का टाइम लगा है। अब मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, देखिए ये देखिए, यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है। और ये ना, ये जो बिल्डिंग है ना, ये देखिए आप, ये सारे ना गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, इसे GMVM शायद कहते हैं। और ये ना, आप यहाँ पे रूम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बुक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रूम मिला है, यहाँ तो मेरे अंकल जी रहते हैं आजकल, तो अंकल जी ने हमारी व्यवस्था कर ली थी रूम की, थैंक्स टू अंकल। ये देखिए H109 हमारा रूम है, और इस प्रकार का देखिए एक रूम है हमारा पूरा, एक रूम हमारा ये वाला है। दो ये सामने देखिए आप, वो जो सामने आपको दिख रहे हैं ना बर्फ, वो है चंद्रशिला, और कल हम जाएंगे वहीं। जब यहाँ बर्फ पड़ती है ना, इतना मस्त दिखता है ना ये सारा व्यू। यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, और पीछे है मंदिर, और सामने देखिए, यहाँ कल परसों बर्फ गई थी, अभी तो खैर पिघल चुकी है, लेकिन ऊपर पहाड़ियों में अभी भी है। और यहाँ का ना व्यू पॉइंट है, ये देखिए। यहाँ पे ना आपको पता होगा त्रिजुगी नारायण में ना डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, तो यहाँ पे ना फेरे वगैरह का कार्यक्रम होता है संपन्न। ये देखिए पूरी डेकोरेशन होती है जब किसी की शादी होती है। और दोस्तों ये देखिए आप, ये जो है ना, जहाँ पे कोहरा है, इसके ठीक 7 किलोमीटर पीछे ना केदारनाथ है, इस पहाड़ी के पीछे है केदारनाथ, ये चंद्रशिला, यहाँ हम आपको कल दिखाएंगे साथ। दोस्तों मैंने गलत बोल दिया था, यहाँ पे ना फेरे नहीं होते, यहाँ पे ना हल्दी वगैरह का प्रोग्राम होता है, फेरे तो मंदिर के पास ही होते। अभी आ चुकी है हमारी चाय। तो ये रहा देखिए त्रिजुगी नारायण का मंदिर, और कल रात तो हम यहाँ बाहर तक आए थे, और अभी ना हम लोग सब अंदर जाएंगे, क्योंकि कल हम नहाए धोए नहीं थे, तो आज नहा धो के सब लोग आए हैं, तो अब हम लोग अंदर जाएंगे मंदिर के। हमने ले लिया प्रसाद, और यहाँ पे ना प्रसाद का रेट ना काफी डिसेंट मुझे लगा है, यहाँ पे मात्र 100 रुपये की थाली है, और बाकी जगहों पर धार्मिक जगहों पे तो चुके हैं मंदिर के अंदर, त्रिजुगी नारायण मंदिर के अंदर। और अब मैं ना थोड़ा सा यहाँ का आपको एक विजिट करवाता हूँ, एक टूर करवाता हूँ, यहाँ के बारे में ना, यहाँ की सारी विशेषताओं के बारे में ना आपको बताता हूँ। देखिए तो जो हम प्रसाद लाए थे ना, यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है, शुरू हो जाता है सोता प्राण बुखार जाता, घर पूर गौरम करुणापदारम छिंसारम भुजगेंदारम सदा वसंतम विद्यार बिंदे भवम वामी शैतन वामी। अब जो उद्देश्य आप देखे हैं अपने घर में सुख शांति के लिए, अपने कारोबार नौकरी में उन्नति के लिए, माता पाविस्कर का ध्यान कीजिए। कहते हैं जो सच्चे मन से भगवान की उपासना करता है उनके यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। अभी हम लोगों ने अपनी थोड़ा पूजा पाठ वगैरह करवाया, जो प्रसाद लाए थे वो चढ़ाया है, और अब गुरुजी ने हमें जल दिया है कि पहले ना यहाँ से गणेश जी से शुरू होगा। यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी को जल चढ़ाया है, जो कि पंडित जी ने बोला था, और यहाँ पे एक शिवलिंग है, शिवलिंग को चढ़ा। अभी दोस्तों हमने जल तो चढ़ा दिया है, और अपने इस सारे मंदिरों के थोड़े थोड़े दर्शन करके ना फिर हमारे यहाँ पे पूजा पाठ सम्पन्न हो जाएगी। और यहाँ पे ना शिव पार्वती का विवाह हुआ था, दोनों की शादी हुई थी, और जिस कारण ना ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है, और आज भी यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह होती है। यहाँ पे 3 फेरे होते हैं, जिसमें कि जो वधू होती है ना, जो दुल्हन रहती है वो आगे रहती है, फिर 4 फेरे अंदर होते हैं। अंदर मेन मंदिर है, विष्णु भगवान की प्रतिमा, सत्यनारायण की प्रतिमा, सरस्वती माँ की प्रतिमा सारी अंदर है, लेकिन अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, 4 फेरे अंदर होते, 3 फेरे बाहर होते हैं, मेन तो यहीं पर होते हैं, लेकिन जब कभी भीड़ वगैरह बढ़ जाती है ना, तो देखिए आप कुछ फेरे, कुछ लोगों की शादी यहाँ पे भी संपन्न होती है, फिर कुछ लोगों की पीछे यहाँ पे भी संपन्न होती है। जब कभी भीड़ होती है, ज़्यादा शादियाँ होती हैं, तो फिर इस तरह से मैनेज होता है। और दोस्तों ये ना यहाँ का हवन कुंड है, और ये मतलब यहाँ पे नॉर्मली हवन नहीं होता है, किसी विशेष तिथि या किसी विशेष दिन पर या किसी विशेष अवसर पर ही ये हवन कुंड खुलता है, यहाँ पे ना पूरा हवन होता है। तो ये पूरा त्रिजुगी नारायण का मंदिर, ये देखिए आप, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये शिव मंदिर है, लेकिन ये विष्णु भगवान का मंदिर है, यहाँ पे भगवान शंकर की यहाँ पे शादी हुई थी। दोस्तों ये है ब्रह्मकुंड, यहाँ पे कोई भी यात्री यहाँ पे स्नान कर सकता है। फिर आता है हमारा रुद्रकुंड, ये देखिए, और यहाँ पे भी आप आराम से यहाँ पे बैठ के ना स्नान वगैरह कर सकते हैं। यहाँ देखिए नीचे ना, ये देखिए यहाँ पे ना शिवलिंग भी अगर आपको दिख रहा हो पानी के अंदर। तो अब ये लास्ट हमारा विष्णुकुंड, यहाँ पे ना यात्री वगैरह पानी पीते हैं, ये बहुत पवित्र जल माना जाता है, इसे लोग पीते भी है, और अपने साथ ना यहाँ सामने से ना बोतल लेके आप इसे अपने साथ घर भी लेके जा सकते हैं। दोस्तों अभी हमारे मंदिर के दर्शन हो चुके हैं पूरे, और यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग दोस्तों होती है, लेकिन कुछ लोग ना अपने स्पेशल डेज, जैसे कल एक कपल आया, यहाँ पे शादी विवाह संपन्न होते हैं, सिंपल यहाँ पे फेरे होते हैं, आशीर्वाद लेके शादियाँ वगैरह हो जाती है। ये कपल आया, इनकी आज यहाँ पे फर्स्ट एनिवर्सरी है, और ये यहाँ पे आते हैं अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट करने के लिए, कोई कोई दोबारा शादी करने के लिए, मतलब पहले जब उनकी हो गई होगी तब तो हो गई होगी, एक बार दोबारा यहाँ पे फेरे लेने भी आते हैं। तो यहाँ के ना बहुत सारी मान्यताएं हैं। फर्स्ट यहाँ पे ना हमारा स्टे है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बर्फ है, और एक छोटा सा गांव ना ये नीचे भी है, और फिर एक आखिरी गांव ना यहाँ पे है, जहाँ पे वो आग लग रहा है ना, उस घाटी पे एक गांव है, और वो यहाँ का आखिरी गांव है। फिर उसके बाद देखिए पीछे ये पर्वत है, और फिर ना यहाँ इसके पीछे जो है ना केदारनाथ है, तो आखिरी गांव वहाँ पे है, और वहाँ तक ना अभी रोड भी नहीं है, रोड ना आखिरी यहाँ पे ही, देखिए यहाँ पे, इसके बाद रोड अभी काम चल रहा है, लेकिन अभी तक गई नहीं है,
तो वो लोग ना सारे जो उस गांव में रहते होंगे ना वो यहाँ से फिर पूरा पैदल चलते हैं। तो ये है बेसिकली तिरुजुग नारायण और ये आखिरी पॉइंट है यहाँ का, फिर वहाँ से केदारनाथ शुरू हो जाएगा। तो अभी रात के 7:45 बजे हमारा डिनर तैयार हो गया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग डिनर कर रहे हैं। ये हमारा स्टे है और जस्ट यहाँ पे जो है ना टेम्पल है और ये हमारी आज की यहाँ पे खाना है। खाना खाने के बाद ना हमने यहाँ पे जस्ट आग जलाई है। दोस्तों अभी हमारी आग जल चुकी मस्त ढंग से, कोई कहीं से लकड़ी लाई है तो पता नहीं चाचा जी की कृपा है। नहीं नहीं पता नहीं कहाँ से ना लकड़ी चुरा के लाए दोनों, किसी की छत में से उठा के लाए। और ये देखिए हमारे अंकल जी, आपने गांव में भी नंदा देवी के पहाड़ में देखे होंगे, ये सब अंकल जी की कृपा है भाई, हम यहाँ तक पहुँच पाए। धन्यवाद अंकल जी आपका। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और कल हम लोग जाएंगे तुंगनाथ और चोपता और परसों हम लोग जाएंगे चंद्रशिला और उसके बाद हम लोगों का कुछ और ही प्लान्स है, तो आप लोग हमारे लगातार इस चीज़ को देखिएगा। थैंक यू सो मच।